इनका भी मान सम्मान रखते हुए जाइए, ठीक है। हाँ, 10 किलोमीटर पीछे डीजे साउंड पार करवा दिया, देखिए मेरे भाई। जय गंगा मैं एक दोस्तों स्वागत करता हूँ फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों अभी मैं हूँ फिलहाल पे घर पे और ये ड्रेस आप लोग देख पा रहे होंगे जो कि डाक कावड़ियों की है, और मैं भी जो पहली बार डाक कावड़ लेने के लिए जा रहा हूँ, और ना ही कभी मैं सामान कावड़ लेके आया हूँ, जो कि कैसी भी मैं कावड़ नहीं लेके आया हूँ, पहली बार जा रहा हूँ डाक कावड़ लेने के लिए। और जो हमारे कावड़ों का ग्रुप रहेंगे, दो ग्रुप रहेंगे, 25-25 बंदों के दो टीम रहेंगी, और बाइकें जा रही है 10, और एक जो हमारी मैक्स है उसमें ही डीजे है। तो जो डाक कावड़ है हमारी 4 बजे जाएगी। तो अभी जो मैं ड्रेस पहना हूँ ये मैं चेक कर रहा था कि ढीली तो नहीं है, तो अभी मैं इस ड्रेस को उतारता हूँ, और ये ड्रेस सोरो घाट से हम आएंगे तब हम इस ड्रेस को पहन के आएंगे, और टीम हमारी जो काफ़ी अलग ही लगी है। तो अभी हम 4 बजे का इंतजार करते हैं, फिर हम निकलते हैं आगे मिलेंगे सुपर फास्ट तूफानी कावड़ लेने के लिए, जो कि हमारी यहाँ पर सारी टीम है, और यहाँ पर 50 बंदों का ग्रुप है, दो यहाँ पर कावड़ आने वाले सुपर फास्ट डाक कावड़, ये पूरी टीम है। बम बम बोले बोल दो सारे भक्त, मेरी आवाज बैठ गई पहले से ही। बम बम बोले, जय बोले की सारे भक्त है हमारे साथ में, ये देख लिए भाई, जय बोले की। अभी देखिए हमारा जो मैक्स है डीजे वो पीछे आ रहा है अभी, ये देखिए, और जो कि अभी यहाँ पर तिरंगे सेट किए जा रहे हैं, बांधे जा रहे हैं, और पेट्रोल गाड़ियों में डाली जा रही है, ये देखिए अभी पेट्रोल पंप पर हैं, जो सैपू की पेट्रोल पंप है, और अभी हम आपको फुल एंजॉय फुल मस्ती करने वाले हैं। आज देख रही टीम आ चुकी है सामने की तरफ, जो कि भद्रकाली माता का मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ से सीधे चलने वाली है टीम हमारी, ये देखिए। बम बम बोले, ये देखिए अभी मैं साउंड दिखाता हूँ, बम 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 बोले, बम 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 बोले। ये देखिए सामने की तरफ आप लोग साउंड देख पा रहे होंगे, डीजे साउंड, ये हमारे डीजे साउंड है, ये देख सकते हैं पिटम तूफानी सुपर फास्ट डाक कावड़। पूरी टीम है हमारी और जो डीजे साउंड है, ये देखिए, और बाइक है, ये रही हमारी सारी बाइक है, ये देख सकते हैं आप सामने की तरफ पूरी टीम है, और डांस कर रहे हैं हमारे पूरी टीम, जय बोले की। कम से कम 50 बंदों की ग्रुप है, दो टीमें हैं यहाँ पर, 25 बंदों की, ये देख सकते हैं अभी रेडी हो रही है, और थोड़ी देर बाद अभी हम निकलेंगे यहाँ से, ये देख सकते हैं। दोस्तों अभी आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे होंगे, जो कि भद्रकाली माता के पास में ही एक नया मंदिर बना था, और यहाँ पर अब जो हमारी टीम है दर्शन करने के लिए आई हुई है, और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से चलेगी सोरो घाट के लिए, और ये देखिए यहाँ पर फुल डांस फुल मस्ती कर रहे हैं सामने की तरफ, और देखिए पूरी टीम है फुल एंजॉय, और रात को पहुँचेंगे सोरो घाट, और वहीं से फिर हम रात को उठाएँ कांवड़, बाकी अगली वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, और रास्ते में कितनी कांवड़ मिलेंगे वो पूरी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। चलिए देख सकते हैं हम लोग सामने की तरफ किस प्रकार कांवड़िए हैं, और बहुत आज मैं पहली बार मैं भी कांवड़ लेने के लिए आ रहा हूँ प्रीतम तूफानी सुपर फास्ट डाक कांवड़, देख सकते हैं सारी पूरी टीम है हमारी। सैपू होली की टीम धुआं मचा देगी, धुआं, जय बोले की। जय बोले की। सुरक्षित जाइए और सुरक्षित आइए, तो बड़े आराम से जाइए और एक साइड से चलिए, गाड़ियों पे तिरंगे लगे हैं, इनका भी मान सम्मान रखते हुए जाइए, ठीक है, आराम से जाइए और प्यार से अपना जाइए आइए। बोले बम बम, बोले बम बम, बोले बम बम, साइड में लेके जाना जिससे कि तुम भी सुरक्षित रहो और सामने से आने जाने वाला भी सुरक्षित रहे, क्योंकि डाक कावड़ मतलब किस प्रकार यहाँ पर कावड़ियों को समझा जा रहा है, तो बाइक भी है तुम पे, जितनी भी बाइक वाले हैं एक ही रास्ता पकड़ के जाएंगे, यस सर, ठीक है,
और प्यार से जाएंगे और प्यार से आएंगे, क्योंकि देखो अभी हम रात में चल रहे हैं और अभी हमने पास कर दिया है जलेसर। जलेसर से 10-15 किलोमीटर हम आगे आ चुके हैं। ये देखिए हमारी पूरी टीम चल रही है आगे, डीजे साउंड भी चल रहा है, देख सकते हैं। और अभी हम पहुंच जाएंगे 10:30 बजे करीब कचला घाट। देखो भाई अभी हम कासगंज पहुंच चुके हैं और कासगंज में इतनी ज्यादा कावड़ गुजर रही है, सबसे ज्यादा यहाँ पर कावड़ निकली। ये देखिए प्रीतम तूफानी सिर्फ कावड़ ढाक कावड़ है ये भी, और हमारा डीजे साउंड है वो आगे चला गया है। ये देख सकते हैं किस प्रकार कावड़े गुजर रही है यहाँ पर, और रात के भी 10:30 बज चुके हैं। और देखिए आगे चल के मैं और दिखाता हूँ आपको, आइए। तो अभी हम पहुंचे हैं कासगंज और अभी देखिए हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दी है, क्योंकि जो सारे लोग हैं खाना खा रहे हैं। और यहाँ पर बगल में दिख रहा है आपको होटल, और यहाँ पर देखिए कासगंज में एक कास में आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा यहाँ पर डाक कावड़ आ रही है। देखिए ये भी ग्रुप जा रहा है, ये भी डाक कावड़ का ग्रुप है, और इनका जो डीजे वो भी चल रहा है। और उस साइड देखिए जो कि कचला घाट से कावड़ लेके आ रहे हैं उस साइड से, ये देखिए देखिए उस तरफ से कचला घाट का ग्रुप आ रहा है। ये देखिए जय भोले की, जय भोले डाक कावड़ का ग्रुप है, डाक कावड़ का। ये देखिए भोले जो है मौज मस्ती के साथ यहाँ पर आ रहे हैं जितने भी कांवड़िए हैं, और जो हरिद्वार कांवड़ यात्रा में थी काफ़ी भी वहाँ पर कांवड़े आ रही थी, पर उतनी जो वहाँ पर कांवड़े आ रही थी इतनी यहाँ पर नहीं आ रही हैं। फिर भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कांवड़े। फिर बाद अभी हम चलेंगे वहाँ पर, फिर थोड़ी देर नहाएंगे, नहाने के बाद सो हम 12 बजे उठा लेंगे कांवड़ को। और अभी देखिए अभी हम चलने वाले हैं, तो सामने तरफ आपको दिख पा रहे होंगे जो कि सामान कावड़ जा रही है, और यूपी की जो कावड़ होती है सबसे अलग होती है। देखिए ये आ चुकी सुपर फास्ट कावड़, जय भोले की। ये देखिए सुपर फास्ट डाक कावड़ है, ज़्यादातर यहाँ पर डाक कावड़ आ रही है। और कल है लास्ट सोमवार है, शायद लास्ट नहीं चौथा सोमवार है, हाँ लास्ट ही है मेरे हिसाब से, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए एक और आई डाक कावड़, सबसे ज़्यादा डाक कावड़। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं कचला घाट, और अभी बज रहे हैं 12:30, और यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार डाक कावड़े गुजर रही हैं। ये देखिए निकलने भी अभी हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी सुबह के टाइम पर, क्योंकि जो यहाँ पर इतनी ज़्यादा पब्लिक गुजर रही है बहुत ज़्यादा, तो जो हमने डीजे है वो बैक करवा दिया, क्योंकि सुबह के टाइम पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी सबसे ज़्यादा। यहाँ पर देखिए किस प्रकार भीड़ है, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा, ये देख सकते हैं। तो अभी हमें जाना है गंगा जी, तो अभी यहाँ से थोड़ी दूर है वो हमें बाइकों से कवर अप करना पड़ेगा, और जाम भी इतना लग रहा है बहुत ज़्यादा। ये देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर जाम लग रहा है, और हमारी जो टीम है डिस्कस कर रही है और किस प्रकार हमें गंगा जी के पास पहुँचना है। देखिए ये देख सकते हैं आप लोग सामने तरफ, ये पूरी टीम है हमारी, जय भोले की भाई, ये भोले सारे भोले हमारे साथ में आ रहे हैं। और अभी थोड़ी देर बाद हम कावड़ उठाएंगे, पहले पहुँचते हैं गंगा जी के पास में, और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। देखिए भाई कितनी ज़्यादा मैक से आ रही है, ये देखिए उस साइड से भी देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। देखिए डीजे साउंड भी हैं जो कि बैग जा रहे हैं, तो अभी हम चलते हैं गंगा जी की तरफ। चलिए देखो मेरे भाई इतनी ज़्यादा भीड़ है, सबसे ज़्यादा भीड़ है, और देखिए ये बीच में गाड़ी फंस चुकी है, और जो कि ईको है, और देखिए किस प्रकार भीड़ है। कांवड़ियों को इतनी ज़्यादा निकलने में परेशानी हो रही है, हमको भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो यहाँ पर देखिए गाड़ी में हम पार करने की सोच रहे हैं, क्योंकि आगे देखिए किस प्रकार जो कांवड़िए हैं, जाम सा लगा हुआ है, निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। देखिए अभी ये गाड़ी फंस चुकी है, सामने तरह आपको दिख रही होगी, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखिए अभी ये गाड़ी फंस चुकी है, और इस गाड़ी को निकालने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और अभी देखो यहाँ से 1 किलोमीटर रह गई है सोरो घाट, और अभी हम वहाँ पर पहुँचे हैं, बड़ी देर बाद पहुँच पाएंगे। अभी बच चुके हैं 2, तो शायद हम 4 बजे कावड़ उठा पाएँ। देखिए किस प्रकार ये फंस चुकी है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इस गाड़ी को निकालने में। देखिए कांवड़ियों को देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर कांवड़ी आए हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो कांवड़ी आए हुए हैं डाक कांवड़ लेने के लिए आए हुए हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है आज, सबसे ज़्यादा
तो देखो मेरे भाई जो सामने से अभी इको है वो नहीं निकल पा रही है इस, क्योंकि यहाँ पर देखिए किस प्रकार जाम लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर जो साउंड है वो भी इस यहाँ पर अंदर ले लिए हैं, इससे ज़्यादा और ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये देखो मेरे भाई, देखिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और गाड़ियों को जो हमारे साथ की गाड़ियाँ हैं तो हम यहाँ पर पार्क करने की सोच रहे हैं, क्योंकि निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और जो डीजे साउंड है हमने 10 किलोमीटर पीछे डीजे साउंड पार्क करवा दिया है। देखिए मेरे भाई इतनी ज़्यादा परेशानी हुई, जो कि इतनी ज़्यादा कावड़ आई हुई है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर डाक कावड़े आई हुए हैं। ये देखो मेरे भाई, आज देखिए भोले भूचाल मचा देंगे। और कल देखिए चौथा सोमवार है सावन का। ये देखिए जैसा कि दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं 3:30 बजे सोरो घाट पर। देखिए किस प्रकार पब्लिक गुजर रही है, यहाँ पर देखिए एक टीम है और ये देखिए किस प्रकार यहाँ पर पब्लिक है। और अभी हम स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद फिर मौज मस्ती करेंगे, फिर निकलते हैं। और बहुत टाइम हो चुका है, यहाँ पर देखिए किस प्रकार पब्लिक है, बहुत ज़्यादा। चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड कर देते हैं, क्योंकि अभी हम थक चुके हैं, अभी हमें कावड़ भी लेके जानी है। और चलिए दोस्तों ये ब्लॉग बताना, ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो हमारे आने वाली वीडियो होगी वो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो मिलते हैं हम ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।